told your friend you're not okay. राम राम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड लाइक ऑलवेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब सेट होंगे अपने अपने घर में। सो बेसिकली मेरी अभी इंडियन वीडियो आनी थी, तो उसका एडिटिंग का काम जरा इसको यहाँ टिका देते हैं। सो थोड़ी सी है वो, मतलब अलग सी टाइप फीलिंग्स टाइप। सो बेसिकली आज वीडियो बनाने का मोटिव है कि कुछ इन्फ्लुएंसर फ्रॉम द जर्मनी, मैं देख रहा था कि वीडियो आज से कुछ टाइम पहले बना रखी है कि डोंट कम टू जर्मनी इफ़ यू डोंट हैव दिस डोंट फकिंग शिट। ठीक है, जो भी जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़। ओके, ठीक है भाई, अगर आपको जर्मनी में, पहले तो उन्होंने वीडियो बना रखी है डोंट कम टू जर्मनी इफ़ यू डोंट हैव दिस डोंट हैव दिस, अगर आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ठीक है जी, मान ली आपकी बात। और अब सेकेंडली अब वीडियो बना रहे हैं कि जर्मनी आओ, ये है वो है वो है, रोने धोने वाली सिस्टम। मैं देसी सा लड़का हूँ, मुझे रहते हुए जर्मन में 3 साल हो चुके हैं, ज़्यादा भी हो चुके हैं 3 साल से, बट मैं इन चीज़ों के अंदर पढ़ता नहीं कभी। बट लेकिन अभी वीडियो बना रहे हैं, जैसे जैसे लोग देख रही हैं, मैं भी देखता हूँ कई बार चीज़ें मेरे को दिख जाती हैं। सो समटाइम फील होता है कि इस कंट्री में मैं रह रहा हूँ, इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया मेरे को, ठीक है। सो आप क्यों सोना जवाब देना चाहिए ना अपने, और हरियाणा भी निकल रही है। सो बेसिकली बताऊंगा मैं सारा कुछ, क्या क्या बोल रहे हैं वो, उनके जवाब भी दे देंगे कि क्या क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। सो उनको भी समझ आ जाएगी, उनके भी दिमाग में पड़ जाएगी, और आगे से करी जाओ वीडियो व्यू के वास्ते, माने के कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ये लिखा है जो ये रियली लिखा है। तो बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले मैं तैयार हो जाऊँ रेडी टू गो जॉब के लिए। और एक चीज़ और मैं भूल गया, वो इन्फ्लुएंसर इंडिया से हैं, ठीक है, देसी है, मतलब कि इंडियन भी हो सकते हैं कहीं और से, इंडिया से ही है मेन तो, ठीक है, देसी हैं वो। एंड उनके पॉइंट बताऊंगा भाई मैं, कि इतने फुद्दू पॉइंट पॉइंट है ना, बेसलेस यूजलेस वो है पॉइंट उनके। यार वीडियो बनाने को चज के बनाओ यार, थम आके अगर तुम यहाँ पे हो वगैरह, किसी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ, नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाओ, ठीक है, मेन मोटिव है जो, बाकी कोई चक्कर नहीं होता है आपको। चाट अगर खाने के शौकीन हो तो जर्मन मत आए। ओके, बताऊंगा भाई सारा। So inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you... हाँ जी भाई साहब, अभी बार पार्क से मैं आ गया यहाँ पे, मैं अभी जॉब से फ्री हुआ था अपने में, ठीक है। और तो हम वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, पहले एक बार मौसम बता देता हूँ भाई, यहाँ पे ऐसा सा मौसम हुआ हुआ है, कुछ ठंडा भी इतनी लाइक नहीं है अभी जितनी होती है, और लाइक जितनी ओबियसली यहाँ ठंड होती है, अभी ठीक है। तो बेसिकली भाई बात जो चल रही थी उनके बारे में, इन्फ्लुएंसर के बारे में, तो देखो भाई मैं रियलिटी बताऊँगा यहाँ पे जो मैं अभी तक मैंने देखी है। उन्होंने कुछ पॉइंट सही भी कहे हैं, कुछ गलत भी कहे हैं, ठीक है जो भी कहे हैं, बट डीमोटिवेट किया है लोगों को। यार टॉपिक कुछ है वीडियो का मेन तो, और जो उसके अंदर बताया गया वो यूजलेस बातें बताई गई हैं उन्होंने, अगर आप ठंड नहीं सहन कर सकते तो जर्मन मत आइए, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप टिक्की होते हैं ना, जो गोलगप्पे होते हैं, चाट वगैरह होती है जो इंडिया में चलती है अपने खाने पीने की चटपटी चीज़ें, अगर खाने के शौकीन हैं जर्मन मत आइए, नहीं मिलेंगे। कितने चाहिए जी आपको बता देना मेरे को, मैं आपके घर पे डिलीवर करवा दूँगा, ठीक है। एक एक एड्रेस पता है यहाँ पे, हर एक चीज़ मिल जाएगी, जलेबियाँ भी मिल जाएंगी आपको, मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी, और तो और देसी घी भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात, पैसे की बात करिए कि कोई यहाँ पे आके ये नहीं होता वो नहीं होता वगैरह, जी नीत सही हो ना किसी की, अगर नीत सही है अच्छे अर्न कर सकता है वो, अच्छी मेहनत से अगर कोई काम करे, कुछ भी काम करे, ठीक है, अगर शर्म ना करे किसी चीज़ की, अच्छे पैसे कमा सकता है वो, आज भी कल भी कमाएगा और ग्रो होता ही चला जाएगा। मेरा मेन वीडियो मोटिव है जो वीडियो बनाने का, मैंने आज तक ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि डोंट कम जर्मनी, मैं हमेशा मतलब कि मोटिवेट करता हूँ लोगों को कि आओ, देखो भाई एक्सप्लोर करो कंट्री को, कोई भी कंट्री हो, कैसी भी कंट्री हो, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है भाई, ठीक है, मैं नहीं कहता कि कहता कि कोई गलत है कि कुछ नहीं है, ठीक है, एक फैक्ट एक रियलिटी थी वो लाइफ की, ठीक है, जो भी है,
सबके साथ होते हैं, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उसका ये मीनिंग नहीं है कि हाँ भाई बंदे को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। स्ट्रगल हर एक बंदे की लाइफ में होते हैं और स्ट्रगल करने के बाद ही बंदे को समझ आती है, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। स्ट्रगल करेगा बंदा जब भी कुछ बनेगा बंदा, विदाउट स्ट्रगल के तो कोई नहीं कुछ बन सकता ना, ये जो फैक्ट है, जो रियलिटी है ये तो लाइफ की। इन्फ्लुएंसर साहब, तो इन्फ्लुएंसर साहब कहते हैं कि अगर आपको जर्मन आएगी तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जितने भी बालक हैं, लड़के हैं, छोरे हैं, बहुत यार दोस्त हैं मेरे, एक से एक हैं, ठीक है, 3-4 साल हो ही रह रहे हैं यहाँ पे, जर्मन भी नहीं आती है फिर भी काम चल रहा है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। इंग्लिश चलती है बहुत अच्छे वाली चलती है, हाँ एक मतलब सीखनी पड़ती है आपको, ये मान सकता हूँ मैं, बट ये नहीं कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे बिना जर्मन वगैरह के, ऐसा कोई नहीं है यार। टेंशन ना लो यहाँ पे, यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रेशर ना लो, यहाँ पे सही रखो अपना हर एक चीज़, सब सही रहेगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना किसी चीज़ को करने की, अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, यहाँ पे आप कुछ करने के लिए आ रहे हो, मैं किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देता कि कोई दो वैसे काम हो, लेकिन जो है ना आपके पास हैप्पी रहो उसमें, बस कुछ सीखने की इच्छा रखो, कुछ अर्न करने की इच्छा रखो, और बस सीखने की अगर आपके अंदर इच्छा है ना तो बहुत जल्दी आप यहाँ पे सेटल हो जाओगे और बहुत जल्दी आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, अगर आपके अंदर इच्छा है कुछ सीखने की। तो बस मैं तो यही कहूँगा भाई, सारे इन्फ्लुएंसर जो भी हैं इन्फ्लुएंसर, मैं तो इन पंगों में पढ़ता नहीं हूँ कभी, ठीक है, क्योंकि मेरा भाई मैं अलग ही चीज़ में चलता हूँ, अपनी अपना ही वे है मेरा अलग, मैं किसी की कोई बात कौन सुनता भाई, किसी की मैं बात नहीं सुनता, मैं अपने आप ही करता हूँ। मेरे चैनल पे एजुकेशन की वीडियो, जितनी एजुकेशन मैं दे, मतलब कि एजुकेशन के एजुकेशन वाली वीडियो मैं बना सकता था मैंने बनाई, ठीक है, जितनी है मेरे दिमाग मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो वगैरह जो भी है मैंने दी है, और रियल दी है, कोई फेक नहीं दी है भाई किसी का। मेरे को वो आता नहीं है कि वो लाइटा लगा के पीछे स्क्रिप्ट वगैरह लिख के फिर बोलूँ, मेरे दिल में जो है, दिल में जो आता है वही मेरे मुँह पर आता है, वही चीज़ मैं बोलता हूँ सबको, वही चीज़ सिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी ना दोगलेबाजी सीखी है ना कभी किया है किसी के साथ, ठीक है। तो मेरा यही मेन मोटिव रहता है कि एनकरेज करूँ लोगों को जितना हो सकता है, पॉजिटिव वाइब्स मिले मेरे व्लॉग से, मेरी वीडियो से, कोई नेगेटिव चीज़ ना मिले किसी बंदे को। तो यही मोटिव था, यही रहेगा और हमेशा यही चल रहा है मेरा अभी भी मोटिव, कि किसी को किसी का भी मेरे को मैसेज आता है ना मैं कर देता हूँ रिप्लाई, कोई चक्कर वाली बात नहीं, किसी को हेल्प चाहिए होती है मैं कर देता हूँ, कोई कदे ऐसे नहीं करा मैंने कि मेरे पास ये नहीं एटीट्यूड वगैरह, कोई चक्कर नहीं भाई, हमको भी कभी ज़रूरत थी, हमें भी भाई भगवान ने किधे ऐसे साथ दिया लोगों ने, ठीक, हमारा भी साथ दिया है लोगों ने बहुत बढ़िया, दक्ष प्रदीप है उन्हें बहुत साथ दिया भाई, बहुत हेल्प करी उसने लड़के ने, ठीक है, और भी हैं यार दोस्त आज भी हैं, तो अब किसी कईया ने फ़ायदा उठाने की भी सोची उठाया उन्होंने, वीडियो का बहुत यूज़ करा भाई, ठीक है, रियलिटी है, रियलिटी है भाई, किसी का कोई मैंने कौन सा गलत कराया, ठीक है, कोई किसी ने कुछ मिल रहा है मेरी वजह से, ओके कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरी तो यही रहेगी कि हमेशा सेपरेट करूँगा पॉजिटिविटी, और यही मोटिव है भाई, जर्मन आओ कोई चक्कर वाली बात नहीं है, लाइफ बढ़िया है यहाँ से, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं सीखने को, और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे अर्न करने को, और बहुत आगे तक जाने की यहाँ पे क्षमता है इस कंट्री में। टॉप 10 कंट्री सर्च मार लेना, आपको टॉप 10 क्या टॉप 5 में मिलेगी जर्मन का नाम। एजुकेशन लगा लो, मैन्युफैक्चरिंग में उसमें लगा लो, गड्डियों वाली उसमें लगा लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगा लो, किसी भी चीज़ में ला लो, वो टॉप पे मिलेगी। एजुकेशन ब्रांडेड है, ब्रांड है जो एजुकेशन वो है यहाँ पे, ब्रांडेड एजुकेशन जिसको कहते हैं। USA से लोग आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए, ठीक है, मेरे को कोई वो देने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जस्ट बता रहा हूँ, आना है जिसको भाई आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, लेकिन बस वही है। इन्फ्लुएंसर साहब आप रिक्वेस्ट है जी, आप किसी को सेपरेट ना करो जी, आप नेगेटिविटी कि हाँ नहीं आना चाहिए, और अभी पहले 6-7 महीने पहले वीडियो बना दी डोंट कम जर्मनी, ठीक है, वगैरह वगैरह, या फुद्दू से अपने दे दिए लॉजिक से, गोलगप्पे खाने के शौकीन हो मत आओ, ठंडा लगती है ज़्यादा जर्मन ना हो, पैसे कमाने के इच्छुक ना हो भाई साहब, ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वीडियो बना देते हैं कि जर्मन आना चाहिए हमें, मतलब यू शुड कम इन जर्मनी बिकॉज कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे ये है वगैरह, यार एक दोगलेबाजी ना करो ना, सही रह लो, अब रियल रह लो या फेक रह लो, ठीक है।
एक वीडियो के चक्कर में अपना वो ना करो, ठीक है, सेपरेट लव एंड सेपरेट पॉजिटिविटी सेपरेट करो बस, और कुछ मेरा मोटिव नहीं था इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। इसके बाद अपनी इंडिया वाली वीडियो होगी आएगी, तो यही थी आज की वीडियो भाई साहब, ठीक है। मैं तो मेन पंगे में पढ़ता नहीं भाई कभी भी, लेकिन ठीक है, इन्फ्लुएंसर साहब जी समझ जियो जी आप बात को, ठीक है, बाकी कोई चक्कर नहीं है, लग के रहो आप भी, अपना हम भी लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं। सो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं भी करो कोई चक्कर नहीं, आप सही चल रहे हैं, जून से हमने प्यार करा है वही कर लेंगे, नहीं तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। राम राम जी, अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो जी, और अपने मोम डैड का भी रखो, अपने दादा दादी का भी रखो, कोरोना से बचे रहो, अरे जो भी फैल रहा है इंडिया में, जो भी सही है, अपने घर रहो। सो राम राम जी, बाय बाय। Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.